जिन सड़कों पर ट्रैक्टर और गाड़ियां चलती थी, अब उन्हीं पर रनवे पर वायु सेना के लड़ाकू विमान उतरे हैं। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि इस पल के गवाह बने। सर, कितनी बड़ी सौगात है और ये बदलते भारत की कितनी बड़ी तस्वीर है? देखिए, देश बदल रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। इस बात का सबूत यदि किसी व्यक्ति को देखना हो तो इससे सुंदर जगह कोई नहीं हो सकती, इससे अनुकूल जगह नहीं हो सकती। दो दशक पहले तक जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, यहाँ पर ऊंट के पीछे गाड़ा लगा करके चलना भी, आप इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल से की जा सकती थी गर्मी के दिन में। वहाँ आज चारों तरफ हरियाली है, खेती हो रही, और वहीं आज जो है, जहाँ ऊंट गाड़ा नहीं चल सकता था, वहाँ जो है हवाई जहाज उतर रहा है। ये देश के बदलते हुए, देश के बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत बदल रहा है, भारत जिस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है, हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, हम सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने और हम ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, ये मार्ग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रशस्त करना प्रारंभ कर दिया। और मैं ये मानता हूँ कि इस मार्ग पर चल पड़े भारत को अब दुनिया के शक्तिशाली, समृद्ध और संपन्न भारत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर, 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, चाहे युद्ध जैसी स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा हो, कितनी बड़ी बात मानते हैं इसके लिए? देखिए, इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज के माध्यम से न केवल युद्ध के समय में अपितु आपदा के समय में या किसी भी तरह की इमरजेंसी आवश्यकता के समय में, दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण है कि इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग गेटवे जहाँ बने, वहाँ जो है सिविल एयरपोर्ट्स भी, एयरक्राफ्ट भी उतरते हैं, छोटा सा एयरबेस बनाया जाता है और वहाँ इस तरह के जो है दैनंदिन आवश्यकताओं के लिए भी इन फैसिलिटीज़ का उपयोग किया जा सकता है। मैं आज हुई शुरुआत के आगे एक बहुत सुनहरा भविष्य इस क्षेत्र के लिए देखता हूँ। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।